नमस्कार, स्वागत है आप सभी का संसद टीवी पर। आपके साथ मैं हूं दीक्षा कोहली। हम हाजिर हैं संसद के मॉनसून सत्र के 11वें दिन दोनों सदनों में हुए कामकाज का पूरा ब्यौरा लेकर, हमारे खास कार्यक्रम सदन दिन भर के साथ। हम आपको दिखाएंगे आज दोनों सदनों में किन मुद्दों पर चर्चा हुई। तो आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। लोकसभा में नियम 193 के तहत महंगाई पर चर्चा के दौरान वित्त मंत्री ने कहा, तमाम चुनौतियों के बावजूद सरकार ने महंगाई दर को 7% से नीचे रखा, देश के मंदी में फंसने की संभावनाओं को भी नकारा। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने राष्ट्रीय रेल और परिवहन संस्थान को गतिशक्ति विश्वविद्यालय में परिवर्तित करने संबंधी विधेयक को लोकसभा में किया पेश। और राज्यसभा से दो विधेयक पारित, सामूहिक संहार के आयुध और उनकी परिधान प्रणाली संशोधन विधेयक 2022 और भारतीय अंटार्कटिक विधेयक 2022 संक्षिप्त चर्चा के बाद पारित। सदन दिन भर में सबसे पहले बात लोकसभा की कार्यवाही से जुड़ी खबरों की। लोकसभा में आज विभिन्न विषयों पर विपक्षी दलों के सदस्यों के अवरोध के कारण लोकसभा की कार्यवाही एक बार के स्थगन के बाद दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दी गई। इस कारण लोकसभा में प्रश्नकाल नहीं हो पाया। आपको बता दें कि 2 बजे फिर से कार्यवाही शुरू हुई तो लोकसभा में विपक्षी सांसदों के निलंबन को हटाने का प्रस्ताव पारित किया गया। उसके बाद लोकसभा में नियम 193 के तहत महंगाई पर चर्चा शुरू हुई, जिसका जवाब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दिया। इससे पहले सदन की कार्यवाही आरंभ होने के साथ ही लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय खिलाड़ियों के शानदार प्रदर्शन का उल्लेख किया। लोकसभा अध्यक्ष ने विपक्षी सदस्यों से उनके स्थान पर बैठने और सदन चलने देने की अपील की। गतिरोध के बीच ही प्रश्नकाल की शुरुआत हुई। विरोध नहीं थमने पर सदन की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। एक बार के स्थगन के बाद बैठक पुनः शुरू हुई तो पीठासीन अधिकारी राजेंद्र अग्रवाल ने आवश्यक कागजात प्रस्तुत करवाए। इस दौरान विपक्ष के सदस्यों ने अवरोध फिर से शुरू कर दिया। पीठासीन अधिकारी ने सदस्यों से अनुरोध किया कि वो अपनी अपनी सीट पर चले जाएं, लेकिन विपक्ष के सदस्यों ने उनकी एक ना सुनी और लोकसभा की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। नियम 193 के तहत महंगाई पर चर्चा हुई। चर्चा का जवाब देते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि रूस यूक्रेन संकट, चीन के कई हिस्सों में लॉकडाउन, कोविड वेव, ओमिक्रॉन आदि के चलते अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रभावित है। इसके बावजूद भी हम महंगाई को 7% से नीचे रखने की कोशिश कर रहे हैं। पैंडेमिक, सेकेंड वेव, ओमिक्रॉन, इंडिया रशिया यूक्रेन सप्लाई चेन, इवन टुडे लार्जेस्ट सप्लाई कंपोनेंट सप्लायर्स अराउंड इन चाइना स्टिल अंडर लॉकडाउन इन सेवरल एरियाज। इन स्पाइट ऑफ दैट वी हैव हेल्ड द इन्फ्लेशन वेल विद इन 7 और इवन बिलो, एंड दैट इज गॉट टू बी रिकॉग्नाइज्ड। केंद्रीय वित्त मंत्री ने कहा कि देश में मंदी की कोई आशंका नहीं है और देश की अर्थव्यवस्था लगातार मजबूत हो रही है। There is no question of India getting into recession or stagflation. Adir ji, you please be assured, there is no question of us getting into either stagflation or, like the US, they may say technical recession, whatever. Please. Money, sir, please. No. There is zero probability of India slipping into recession. नियम 193 के तहत महंगाई पर चर्चा की शुरुआत कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने की। उन्होंने कहा कि देश में पिछले 14 महीने से महंगाई दर दहाई अंक में है। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने चर्चा में हिस्सा लेते हुए कहा कि श्रीलंका, बांग्लादेश, भूटान और सिंगापुर, हर कहीं महंगाई बढ़ रही है और लोग नौकरियां गवा रहे हैं। ऐसी स्थिति में यदि गरीबों को 2 वक्त का खाना मुफ्त में मिल रहा है तो क्या हमें पीएम का शुक्रिया अदा नहीं करना चाहिए? इसके अलावा विपक्षी पार्टियों ने चर्चा में हिस्सा लिया। टीएमसी और डीएमके ने तेल और खाद्य महंगाई पर सरकार को घेरा। पिछले 14 महीने से डबल डिजिट
महंगाई दर है इस देश में पिछले 30 साल में सबसे ज्यादा। अप्रैल 2022 में ये 15.8% था, जुलाई में थोड़ा कम हुआ है, और कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स जो है वो बिल्कुल आसमान छू रहा है। और इसके ऊपर आपने जो रोजमर्रा की चीजें हैं उसके ऊपर जीएसटी बढ़ा दिया, आटे के ऊपर, पनीर के ऊपर, दही के ऊपर, शाही के ऊपर, पेंसिल के ऊपर। 1% प्रोडक्शन व्हीट का कम हो गया, 0.5% जो है पूरे दुनिया का राइस का प्रोडक्शन कम हो गया, सुगर का प्रोडक्शन कम हो गया। आज यूक्रेन वार के कारण, यूक्रेन और रसिया वार के कारण, आपको आश्चर्य होगा स्पीकर महोदय कि यूक्रेन और रसिया इस दुनिया का 1/3 जो गेहूं है वो सप्लाई करता है, 75% जो सनफ्लावर ऑयल है वो यूक्रेन और रसिया सप्लाई करता है। क्या हमने यूक्रेन वार ला दिया? क्या हमने पूरी दुनिया के किसानों को कहा कि आप प्रोडक्शन कम करो? उसके बावजूद भी हमारे प्रधानमंत्री यदि 80 करोड़ गरीबों को फ्री का खाना दे रहे हैं, फ्री फंड का खाना दे रहे हैं, तो क्या हम बधाई के पात्र नहीं है? लाखों औरत गांव में अभी भी चूल्हा फूंकते हुए दिखते हैं, क्योंकि उज्ज्वला योजना में जिसको सिलेंडर मिला था अभी खरीदने का पैसा नहीं है, लाखों सिलेंडर खाली पड़ा हुआ है। जो गरीब लोग हैं, जो चप्पल पहनने वाले लोग हैं, वैसे लोगों को हवाई जहाज घुमाऊंगा। आज देश में गरीब लोग हवाई चप्पल पहनने वाला दिल्ली आ रहा है और कश्मीर जा रहा है, ये है मोदी जी का कमाल। मैं कुछ लोग कहते हैं महंगाई बढ़ गया, उस समय एयर इंडिया से जब हम लोग जाते थे पटना, हुजूर 32,000 रुपया टिकट था, लेकिन आज जब जहाज चढ़कर जाते हैं पटना तो 5,000 रुपया 4,000 रुपया में जाते हैं। महंगाई कहां बढ़ा? द रिपोर्ट फर्दर सेड दैट 17 लाख पीपल डाई एवरी ईयर ड्यू टू डिजीजेस दैट कैन बी एट्रिब्यूटेड टू पुअर डाइट। अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट्स ओन फिगर्स, एनीमिया इन चिल्ड्रेन एंड वुमेन हैज इंक्रीज सिग्निफिकेंटली बिटवीन 2015-16 एंड 2019-21। ओवर 67% चिल्ड्रेन आर एनीमिक इन द कंट्री। लोकसभा में आज राष्ट्रमंडल खेलों में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को बधाई दी गई, और साथ ही इस खेल प्रतियोगिता में भाग ले रहे सभी भारतीय खिलाड़ियों को आगे बढ़ने की शुभकामनाएं भी दी। बता दें कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सदन की कार्यवाही आरंभ होने के साथ ही भारतीय खिलाड़ियों के शानदार प्रदर्शन का जिक्र किया। पूरे सदन ने मेजें थपथपाकर भारतीय पदक विजेताओं की सराहना की। मुझे आपको सूचित करते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि बर्मिंघम में चल रहे राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत ने अब तक 3 स्वर्ण पदक, 2 रजत पदक एवं कांस्य पदक जीते हैं। पूरे सदन की ओर से पदक जीतने वाले सभी खिलाड़ियों को हार्दिक बधाई देता हूं, और इस प्रतियोगिता में भाग लेने वाले अन्य सभी भारतीय खिलाड़ियों के लिए भी शुभकामनाएं देता हूं। मुझे विश्वास है कि राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय खिलाड़ियों का उत्कृष्ट प्रदर्शन पूरे देश के युवाओं को, विशेष रूप से युवा खिलाड़ियों को प्रेरित करेगा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने लोकसभा से 4 निलंबित कांग्रेस सांसदों का निलंबन वापस ले लिया है। उन्होंने विपक्ष से आश्वासन मांगा है कि वे सदन में तख्तियां नहीं लाएंगे। पिछले सोमवार को लोकसभा में तख्तियां लेकर महंगाई के विरोध में नारेबाजी के बाद कांग्रेस के 4 सांसदों को शेष सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया था। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि संसद देश की सर्वोच्च लोकतांत्रिक संस्था है और संसदीय परंपरा पर हम सबको गर्व है। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि मर्यादा शालीनता की रक्षा करना सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। कई मुद्दों पर अगर मत की भिन्नता हो तो बैठकर चर्चा की जाए, लेकिन सदन चले ये सभी माननीय सदस्य चाहते हैं और सभी दल के माननीय सदस्य चाहते हैं, और मेरी भी कोशिश रहती है जब सदन चलता है तो मैं सभी माननीय सदस्यों को पर्याप्त समय, पर्याप्त अवसर उनकी अभिव्यक्ति के लिए देता हूं, और माननीय सदस्य भी व्यक्तिगत चर्चा में मुझसे कहते हैं कि सदन चले ताकि हमें
मुद्दों को बिठाना है, अपने संसदीय क्षेत्र के विषयों को बिठाना है। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने मणिकम टैगोर, टीएन प्रतापन, ज्योतिमणि और राम्या हरिदास का निलंबन वापस लेने का प्रस्ताव रखा, जिसे सदन ने ध्वनिमत से मंजूरी दी। लोकसभा में कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि विपक्ष की मंशा किसी को ठेस पहुंचाने की नहीं थी। नियम और प्रोसीजर में यह स्पष्ट है कि विदाउट एनी एम्बिग्युटी दैट इज ए क्लियर दैट इट इज वेरी वेरी क्लियर दैट दे कैनॉट ब्रिंग प्लेकार्ड्स एंड दैट्स वाई मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपके आदेश के अनुसार वो आदेश पालन करना चाहिए। विथ दिस रिक्वेस्ट मैं जो सस्पेंड हुआ है उन MPs का सस्पेंशन विथड्रॉ करने के लिए मूव करता हूँ। ये सारे समाधान निकालने के लिए एक जनरल पर्पस मीटिंग बुलाया जाए, एक रूल्स कमिटी बुलाया जाए और सारे विपक्ष दल सत्ता पक्ष सब मिलकर उसमें सर चर्चा करके आम सहमति बन के कुछ उपाय निकाला जाए। सर आपको दुख देने के लिए हम कोई भी मेंबर यहाँ नहीं आते और हमारी पक्ष की जो मेंबर है ये आपको दुख देने के लिए इनका जरा सा भी मनसा जरा सा भी नापाक इरादे कभी नहीं रहते। सरकार ने राष्ट्रीय रेल और परिवहन संस्थान को गतिशक्ति विश्वविद्यालय में परिवर्तित करने संबंधी विधेयक सोमवार को लोकसभा में पेश किया। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा पेश किया गया केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2022 क्षेत्र में महत्वाकांक्षी विकास और आधुनिकीकरण का समर्थन करने और पूरे परिवहन क्षेत्र को कवर करने के लिए रेलवे से परे विश्वविद्यालय के दायरे का विस्तार करना चाहता है। मैं आज की कार्यसूची में क्रमांक 17 में अपने नाम के सामने उल्लेखित केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2009 में संशोधन करने के लिए एक विधेयक पेश करने की अनुमति देने की अनुरोध करता हूं। प्रश्न है कि विधेयक को प्रस्तावित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। माननीय मंत्री जी विधेयक को प्रस्तावित। सभापति महोदय मैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी अमेंडमेंट बिल 2022 प्रस्तावित करता हूँ। और सदन दिन भर में अब वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद राज्यसभा से जुड़ी कार्यवाही पर नजर डालेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। भारत लाखों बरस प्राचीन सभ्यता, इसे घर के जयचंदू और मीर जाफरों ने गुलाम बनने पर किया मजबूर। देशभक्तों ने अपनी जान न्यौछावर करके भारत को करवाया आजाद और भारत को प्रेम करने वाले देश प्रेमियों ने किया नव भारत का निर्माण। नव भारत के निर्माता सिर्फ संसद टीवी पर। जो सदस्य विरोध में ना गए, आई थिंक द हाईएस्ट हैव इट हवालों के पक्ष में हुआ। हाईएस्ट हैव इट द बिल इज पास्ड। द इंडिया स्टार्टअप स्टोरी, पावरफुल आइडियाज, Dynamic solutions, innovation, enterprise, its success and challenges, packed in a brand new show, The Journey of Startups, only on Sunset TV. ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। सदन दिन भर में अब बात राज्यसभा की कार्यवाही से जुड़ी खबरों की। राज्यसभा की बैठक भी आज अलग अलग मुद्दों पर सत्ता पक्ष और विपक्षी दलों के सदस्यों के अवरोध के कारण दो बार के स्थगन के बाद मंगलवार सुबह 11 बजे तक स्थगित कर दी गई। विरोध के कारण आज उच्च सदन में शून्यकाल नहीं हो पाया। सुबह जैसे ही सदन की कार्यवाही शुरू हुई,
सभापति एम वेंकैया नायडू ने आवश्यक दस्तावेज सदन के पटल पर रखवाने के लिए केंद्रीय मंत्री वीके सिंह का नाम पुकारा। शिवसेना और तृणमूल कांग्रेस सहित कुछ अन्य विपक्षी दलों के सदस्य आसन के निकट आकर विरोध करने लगे। सभापति ने इस पर आपत्ति जताते हुए कहा कि वह जिस मामले को लेकर विरोध कर रहे हैं उसका सदन से कोई लेना देना नहीं है। This house has nothing to do with this. Please try to understand. I have been Anil Desai. Please go back to your seat. Go back to your seat. Go back to your seat. Go back to your seats. उपसभापति ने सदस्यों से शांत रहने और कार्यवाही चलने देने का अनुरोध किया, लेकिन सदन में व्यवस्था बनते न देख उन्होंने कार्यवाही को दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया। दोपहर 12 बजे उच्च सदन की बैठक शुरू होने पर कई विपक्षी सदस्य आसन के समीप आकर विरोध करने लगे। विपक्षी सदस्य महंगाई पर चर्चा की मांग के साथ शिवसेना के राज्यसभा सदस्य संजय राउत की गिरफ्तारी का भी विरोध कर रहे थे। गतिरोध के बीच ही पीठासीन अधिकारी भुवनेश्वर कालिता ने प्रश्नकाल चलाने का प्रयास किया। सदन में गतिरोध के बीच ही सदन के नेता पीयूष गोयल ने कहा कि कानून लागू करने वाली एजेंसियों के कामकाज में सरकार हस्तक्षेप नहीं कर सकती और वे अपना काम कर रही हैं। They have been demanding that price rise be discussed. Today it is listed in the Lok Sabha. Tomorrow it will be listed in the Rajya Sabha. The opposition had collectively assured us that once the date is finalized and it is listed, we will allow the House to run properly. Many members are coming here, they have important issues. I appeal to my honorable colleagues from the opposition to allow the House to function smoothly. We are lawmakers. गतिरोध के बाद ही भारतीय अंटार्कटिक विधेयक 2022 को संक्षिप्त चर्चा के बाद ध्वनिमत के बाद पास कर दिया गया। और अब बात राज्यसभा से पारित हुए विधेयक की करते हैं। विपक्षी सदस्यों के अवरोध के बीच भारतीय अंटार्कटिक विधेयक 2022 को संक्षिप्त चर्चा के बाद ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। आपको बता दें कि विपक्ष के सदस्यों ने इस चर्चा में हिस्सा नहीं लिया। चर्चा की शुरुआत करते हुए बीजेडी के सांसद ने कहा कि इससे वैज्ञानिक शोध को मजबूती मिलेगी। When the world is looking at alternate logistics network, alternate supply chain, I think, sir, India has a great opportunity to emerge as a supply chain provider of the world. So, sir, our shipping industry will also get a boost when there is regulation and when we are in tune with global conventions and norms. So, all in all, sir, I think this is a wonderful bill which will help India realize its dream of becoming a $5 trillion economy, give boost to scientific research and finally give a boost to our scientific community. Conclude by only making one more request, sir. So this is a very salutary bill in respect of any expeditions to Antarctica. Sir, I suggest that we have a few ecologically sensitive areas in the immediate neighborhood of India, like Andaman, Corals, we have Lakshadweep. I am only suggesting, sir, the government may consider taking a cue from what we are doing in respect of Antarctica bill. If we can come up with some other bill for ensuring that we also protect the ecologically sensitive regions in our immediate vicinity and a part of our territorial limits. भारत सरकार इंस्पेक्शन टीम का गठन कर सकती है। इस बिल में इंस्पेक्शन का प्रावधान है, पेनल्टी का प्रावधान है। अगर कुछ प्रावधानों का अगर कोई उल्लंघन करता है तो उसके लिए पेनल्टी का प्रावधान है और अंटार्कटिका फंड के गठन करने का भी इसमें प्रावधान किया गया है। और साथ ही साथ अगर कोई प्रोविजंस का उल्लंघन करता है तो डेजिग्नेटेड कोर्ट्स को उनको यह अधिकार दिया गया है कि वो उस पर कार्रवाई कर सके। प्रमोटिंग अंटार्कटिका एज ए नेचर ऑफ रिजर्व इज अ डिवोटेड साइंस एंड सो एंश्योर्स अंटार्कटिका डज नॉट बिकम इंटरनेशनल सो द बिल एम्स प्रमोटिंग अंटार्कटिका एज नेचुरल रिजर्व
With the submissions, I once again supporting the bill. Mr. Sujit Kumar, Mr. Niranjan Reddy, Mr. Sushil Modi, Mr. Thambi Durai, Ravindra Kumar, and Mr. Niranjan Reddy has made some very studied suggestions which have been taken note of. More or less, they are already incorporated as a part of the bill. And when the rules are framed, the rest will be taken in. I request that the bill may be moved to be passed. I think the eyes have it, the bill is passed. Now, lobby be open. The House stands adjourned to meet at 11 hours on Tuesday, the 2nd August 2022. और सदन दिन भर में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए संसद टीवी। नमस्कार।